एक्सेस अबोल शहर अजमेर, जहां पर इतिहास और संस्कृति मिली और आस्था मिलकर इसे बना देते हैं इंद्रधनुष। यहाँ की आबो हवा आना सागर झील की खूबसूरती पर फिदा होकर अंग्रेजों ने अपनी राजनीति, कूटनीति, सैन्य नीति, रेलवे विकास का संभाग अजमेर को बनाना पसंद किया। संसार के जाने माने वास्तुकार एडविन लुटियंस ने टोकदड़ा स्कूल बनाया तो ब्रिटिशकालीन नगर निगम भवन, क्लॉक टावर, गांधी भवन, किंग एडवर्ड मेमोरियल आदि आज भी शहर के बीचों बीच खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अजमेर का पूरा वास्तु ही अनुराग और मजबूती का समग्र रूप है। यहाँ नया बाजार चौपड़ के पास राजकीय संग्रहालय यानी अकबरी किला, जो मुगल बादशाह अकबर का महल था, ब्रिटिश काल में शास्त्रागार बना दिया गया। कालांतर में इसको संग्रहालय का रूप दिया गया। आज इसका संपूर्ण परिसर देखने योग्य है। अजमेर को बसाने वाले राजा अजयपाल द्वारा बनवाया गया तारागढ़ का दुर्ग, जो राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है, ये चौहान शासकों व हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और वीरता का प्रतीक है। तारागढ़ यूं तो हर मौसम में सदाबहार नजर आता है, लेकिन बरसात में इसकी नयन विलांग छवि और भी मनोरम हो जाती है। दुर्ग के परिसर में सैयद मीरा साहब खंसवार साहब की दरगाह भी है, जो मुगल काल से मराठा और ब्रिटिश काल से आज तक सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने केसरगंज में वैदिक यंत्रालय शुरू किया व परोपकारिणी सभा की स्थापना भी की, और भिनाई कोठी, जहां स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अंतिम सांस ली, किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं है। उनके स्मृति में आना सागर के सुगम तट पर निर्मित ऋषि उद्यान में प्रतिदिन सुबह शाम यज्ञ के साथ वेद मंत्र गूंजते हैं। पूर्ण आस्था ही एक स्थायी समाधि है और अजमेर का आध्यात्मिक रंग भी अनूठा है। बाबा बादाम शाह की दरगाह, पारसी मंदिर, ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नारेली, साईं बाबा मंदिर, बजरंगगढ़, नसिया जी यानी सोनी जी की नसिया, चौहान कालीन चामुंडा माता मंदिर, रावली टाड़गढ़ में राजस्थान का प्राचीनतम चर्च होना बताया जाता है। तीर्थराज कहलाने वाले पुष्कर में 52 घाटों वाला सरोवर आध्यात्मिक सुकून और मन की शांति देता है। यहाँ सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा मंदिर, जहाँ हर साल कार्तिक मास की एकादशी से पूनम तक विश्वविख्यात मेला भरता है, यह भारत के सबसे बड़े पशु मेले के रूप में जाना जाता है। मेले के दौरान यहाँ घाटों पर दीपदान, महाआरती, सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने लाखों देशी विदेशी पर्यटक पुष्कर आते हैं। पुष्कर में पुष्कर रोपवे से सावित्री मंदिर का आवागमन भी पर्यटकों के लिए नया आकर्षण बना है। रोपवे तो मजहब वही है जो समस्या नहीं समाधान का मार्ग दिखाए। गहरे समंदर की तरह बेपनाह सुकून से लबरेज और दुनिया भर में सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश फैलाने वाले सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह अजमेर को धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में विश्व पटल पर अंकित करवा दी है। बुलंद दरवाजा, देख, महफिल खाना, अकबर मस्जिद, शाहजहानी मस्जिद, बेगमी दालान गरीब नवाज के मुरीदों की निशानियों के रूप में नजर आती है। वहीं बसंत में कव्वालियों के साथ पीले फूले की पेशकश देर रात तक चलने वाली महफिलों से अकीदत का सुर आबाद रहता है। हर साल ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में लाखों की संख्या में जायरीन यहाँ आते हैं, तब पूरा शहर सूफी रंगों से सजा नजर आता है। चौहान शासक अर्णव राज ने उनके द्वारा बनाई गई आना सागर झील एक महत्वपूर्ण स्थान है। शाहजहां द्वारा बनवाई गई संगमरमर की 12 दरियां पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। पिछले 2 दशकों से प्रवासी पक्षी यहां सर्दियों में
डेरा डाले रहते हैं। अजमेर के सभी पर्यटन स्थलों में से सर्वाधिक फोटो इसी स्थल के करने में